सो एप्पल ने अपना आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स लॉन्च किया A17 प्रो चिपसेट के साथ में भाई, मतलब उसके बारे में बवाला मच रहा था कि बहुत भारी प्रोसेसर है, ये है वो है। अब वो टाइम पे स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 था, बट वो डेफिनेटली A17 प्रो को उतना नेक्स्ट लेवल टक्कर नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पुराना था वो टाइम पे। बट लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 आ चुका है इस IQ12 के अंदर, आज साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा फास्ट है भाई। मतलब लिटरली आज निचोड़ने वाले हैं हम प्रोसेसर को, बहुत सारे बेंचमार्क मैंने करे हैं, आज देखने वाले हैं बेसिकली A17 Pro और जो Snapdragon 8 Gen 3 है दोनों में से फास्ट कौन सा है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द हीट एंड दिस इज स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन iQOO 12 वर्सेस iPhone 15 Pro Max। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस ये है वो दोनों फोन, ये iPhone 15 Pro Max जिसके अंदर आपको पता ही है भाई Apple का A17 Pro चिपसेट आता है, वेयरएज ये है iQOO का 12 जिसके अंदर अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट Snapdragon 8 जनरेशन 3 आता है। लेट्स सी भाई इस बार Snapdragon ने क्या कमाल किया है, क्या ये अब की बार इस iPhone के प्रोसेसर को बीट कर पाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे बेंचमार्क्स रन किए जस्ट टू टेस्ट द परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड टू टू में ऑलमोस्ट 6 लाख का डिफरेंस है, बाप रे बाप, बहुत भयानक तरीके से iQOO जीता है भाई। बट जब Geekbench की बात आती है वहां पर अभी भी iPhone थोड़ा सा बेटर है भाई। फिर मैंने बहुत ही तगड़ा वाला स्ट्रेस टेस्ट किया तो वहां पर जो iPhone है उसने 88% की स्टेबिलिटी दिखाई है, लेकिन जो iQOO है उसने 71% की स्टेबिलिटी दिखाई, लेकिन स्टेबिलिटी अच्छा, बट जो ओवरऑल स्कोर है भाई वो iQOO का बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो भाई। बाकी मैंने इसके अंदर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था भाई, बहुत ही भयानक स्कोर निकाला इसने CPU थ्रॉटलिंग में। दोनों फोन है इनके सारे एप्स कंप्लीटली अपडेटेड है, दोनों फोन सेम वाईफाई से भी कनेक्टेड है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर स्पीड टेस्ट विद इंस्टाग्राम, यहां पर क्लियरली भाई iQOO इज द विनर, फेसबुक यहाँ पर आईफोन जीता है भाई, एम इंडिकेटर यहाँ पर भी आई गेस iQOO जीता है, यूट्यूब यहाँ पर भी iQOO जीता है क्लियरली, गूगल क्रोम क्लियरली iQOO जीता है भाई, एप्पल इंडिया की वेबसाइट लोड करते हैं यहाँ पर भी क्लियरली iQOO जीता है, आईफोन 15 का पेज ओपन करते हैं क्लियरली iPhone जीता है भाई, मतलब iQOO जीता है, iPhone बोल रहा हूँ। इसके बाद YT म्यूजिक यहाँ पर भी iQOO जीता है, प्राइम वीडियो यहाँ पर भी iQOO जीता है, कैलकुलेटर यहाँ पर सेम स्पीड पे खुले दोनों, ओला सेम स्पीड पे खुले नहीं, हल्का सा iPhone जीता है यहाँ पर, Uber यहाँ पर आई गेस दोनों सेम थे बट जो एनिमेशन है उसके वजह से iPhone हमको स्लो लगा, बट Amazon की बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर जो iPhone है वो हल्के से मार्जिन से जीता है, एंड Flipkart की बात करूँ तो यहाँ पर iQOO जीता है, COD मोबाइल ओके यहाँ पर iPhone जीत गया भाई साहब, एंड यहाँ पर ये अब खुला ओके नॉट बैड, BGMI यहाँ पर iQOO जीता है, एंड ये अब खुला, Subway Surfers यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम स्पीड थी। वैसे आपको स्कोर्स तो दिख ही रहे होंगे कौन कौन सा फास्ट खुला है किसमें, काइन मास्टर ओपन करते हैं यहाँ पर भाई, बहुत ज्यादा फास्ट आईफोन के अंदर ओपन हो गया ये, एक वीडियो रेंडर करके देखते हैं। गाइस दोनों में हमने 1080p 30fps की वीडियो 0.5x पे स्लो डाउन करी है, एंड दोनों को हम 1080p 30fps 10mbps में रेंडर करेंगे, एंड दोनों की जो फाइनल फाइल होने वाली है वो लगभग 156MB की बनेगी, 158-156MB के आसपास। लेट्स रेंडर देम बोथ एंड लेट्स सी द पावर, चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। देखो ऊपर आईफोन है नीचे iQOO है, ओके भाई क्लियरली iQOO जीता है, 15 सेकंड में फिनिश कर दिया, वेरस 6 सेकंड ज्यादा लगा आईफोन को, 22 सेकंड में वीडियो रेंडरिंग फिनिश किया है आईफोन ने, नॉट बैड। तो Snapdragon 8 Gen 3 भाई जलवे वाला प्रोसेसर है, नो डाउट। नाउ लेट्स सी द रैम मैनेजमेंट, अब देखते हैं यहां पर कौन जीतता है, Subway Surfers दोनों में है, BGMI भी दोनों में है, COD भी दोनों में है, Flipkart भी है दोनों में, Amazon भी है दोनों में, Uber भी है दोनों में, ओला भी है दोनों में, ओके कैलकुलेटर भी है दोनों में, प्राइम वीडियो इसमें प्राइम वीडियो हल्का सा रीलोड हुआ ऐसा लगा मेरे को, YT म्यूजिक दोनों में है, क्रोम भी दोनों में है, यूट्यूब भी दोनों में है, एम इंडिकेटर भी दोनों में है, फेसबुक भी दोनों में है, एंड इंस्टाग्राम भी दोनों में है। भाई दोनों का रैम मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, एंड जैसे आपने देखा इस स्पीड टेस्ट का क्लियर विनर भाई iQOO है। iQOO अभी जैसे ये एकदम ब्रांड न्यू फोन है, एंड ये एकदम ब्रांड न्यू फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में आता है Snapdragon 8 Gen 3, उसका जलवा आप लेंगे यहाँ पर। सो गाइस जैसे आपने देखा भाई बोथ आर अमेजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेरे को ऐसा ये नहीं है कि कोई खराब है यहाँ पर,
बट भाई स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 जो है मजेदार तरीके से मचाया भाई। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि ऐसे लेवल का रिजल्ट होगा भाई। डेफिनेटली यहाँ पर विनर जो है और 1/3 कॉस्ट है भाई, उसके हिसाब से डेफिनेटली जो विनर है वो आइकू ही है यहाँ पर। हालांकि बहुत सारे लोग अभी कमेंट में आ जाएंगे कि भाई एक साल बाद टेस्ट करना, देखेंगे कौन सा ज्यादा फास्ट है। भाई देखो अभी के टाइम पे जो हो रहा है ना, मैं अभी के टाइम पे टेस्ट कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे देखा जाएगा। अब एक साल बाद जो आप बोल रहे हो ना, तो एक साल बाद भी टेस्ट करेंगे, टेंशन मत लो अभी तुम। बाकी अभी के टाइम पे तो डेफिनेटली विनर जो है अपना स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 है। बाकी इतना ही था सुनो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।